दुनिया भर में फैल रहे कोरोना वायरस के इस प्रकोप से बचने के लिए मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जा रहा है और यही एक वजह है कि बहुत ज्यादा बिक्री की वजह से या तो केमिस्ट इन्हें महंगे रेट से बेच रहे हैं या फिर ये उपलब्ध ही नहीं है। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे सुरक्षात्मक उपायों के साथ लोग सैनिटाइजर का भी उपयोग कितना कर रहे हैं, इसका उदाहरण यही है कि लॉकडाउन के दौरान कई बाजारों में सैनिटाइजर की किल्लत हो गई थी। लेकिन ताज़ा खबरों की माने तो यह जानलेवा भी साबित हो सकता है। सैनिटाइजर का इस्तेमाल में कई तरह की सावधानी बरतने की ज़रूरत है, वरना इससे आपकी जान भी जोखिम में आ सकती है। सैनिटाइजर से समझौता आपकी सेहत बिगाड़ सकता है, तो मास्क पहनने के प्रति बरती गई लापरवाही आपके साथ साथ दूसरों के जीवन को भी खतरे में डाल देती है। भारत में संक्रमण का अब चरम पर पहुँच रहा है, लेकिन कई लोगों का मास्क नाक से ऊपर आने का नाम नहीं लेता। अगर भारत के लोगों ने ठीक से मास्क पहनना सीख लिया तो सिर्फ दिसंबर तक की 2,00,000 लोगों को मरने से बचाया जा सकता है। कोरोना वायरस से मौतों के मामले भारत में अभी दुनिया में 5वें नंबर पर हैं। भारत में अब भी कोरोना का कर्व समतल नहीं हुआ है, इसलिए अभी मौतों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका है। लेकिन आपके मास्क पहनने की आदत हजारों नहीं लाखों जिंदगियां बचा सकती हैं। इसलिए मास्क से कतराइए मत और बाजार में कोई भी सैनिटाइजर बिल्कुल मत उठाइए, क्योंकि बेमन से पहना मास्क आपकी और दूसरों की जान का दुश्मन बन सकता है। और सस्ते के चक्कर में खरीदा गया सैनिटाइजर आपको कोरोना से बचाने के बजाय अस्पताल तक पहुंचा सकता है, इसलिए दोनों ही मामलों में सोच समझ कर फैसला कीजिए। अब आपको बता दें कि आखिर कैसे पहचाने कि आपका सैनिटाइजर आपकी सेहत के लिए ठीक है या नहीं। सबसे पहले तो वही सैनिटाइजर खरीदें जिस पर किसी जानी पहचानी कंपनी का लेबल लगा हो। फिर इस लेबल को ध्यान से पढ़ें कि कहीं इसमें बड़ी मात्रा में मेथनॉल तो नहीं। ये भी देखें कि सैनिटाइजर में एथेनॉल है या नहीं। जिस सैनिटाइजर में एथेनॉल नहीं होता तो वो किसी काम का नहीं है। सैनिटाइजर को किसी ठंडी जगह पर और बच्चों की पहुँच से दूर रखें। अगर आपने या आपके परिवार में किसी ने मेथनॉल से बने सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर लिया है तो उसके स्वास्थ्य पर नज़र रखें। अगर उसे सिर दर्द, चक्कर, पेट में दर्द या उल्टी की शिकायत हो तो फौरन अपने डॉक्टर से संपर्क करें। जिन लोगों को त्वचा, किडनी व लिवर की कोई समस्या है उन्हें सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हुए अतिरिक्त सावधानियाँ बरतनी चाहिए। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए पंजाब केसरी के साथ।